जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो आप लोग को स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताना वाला, जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताने वाला हूं, यदि आप कहीं भी अपना वीडियो शूट किए हैं तो अपने वीडियो का जो बैकग्राउंड है, पीछे वाला जो बैकग्राउंड है, तो बहुत सारे लोगों का जो बैकग्राउंड होता है वो सही नहीं रहता है, बहुत देखने में बहुत खराब लगता है। उसे कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, वो भी काइंड मास्टर से, वो भी फ्री में, आपको 1 रुपये कहीं भी देना नहीं रहेगा, आप लोग बड़ी आसानी से जो है रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलते सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई आपको काइंड मास्टर से वीडियो को रिमूव करना है, तो कैसे वीडियो को हम रिमूव करते हैं, यानी बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं, तो चलते सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ अपने वीडियो का बैकग्राउंड आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग एप्लीकेशन यानी काइंड मास्टर एप्लीकेशन यूज करते हैं, लेकिन उनको ये सेटिंग नहीं पता है और लोग जो है बैकग्राउंड नहीं कर पाते, नहीं हटा पाते हैं। तो कैसे हटाना है, सिंपल तरीका है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से जो है अपने वीडियो का बैकग्राउंड एडिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आप काइंड मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा। मेरे में पहले से जो है इंस्टॉल है, तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप अपने काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए जो है मेरा काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन हो गया है। दोस्तों देखिए इसमें 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए प्लस क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए इसमें कई ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, 16:9 और 9:16। शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका समय कम लगे और आप अच्छे से सही से जान सके। तो यदि आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप 16:9 पे क्लिक करिएगा। तो मैं आपको डेमो के लिए बताना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको यूज करूंगा 9:16 शॉर्ट वीडियो से। यदि आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप 16:9 पे क्लिक करिएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपका समय कम लगे और आप अच्छे से वीडियो को एडिट करना सीख जाए, क्योंकि कम समय में, इसलिए मैं आपको 9:16 से ही बता रहा हूँ। दोस्तों वही प्रोसेसिंग दोनों में है, लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो में। तो फिलहाल आप लोग बंद रहेगा, तो सबसे पहले हम 9:16 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है। जैसे आप बैकग्राउंड यहाँ से ले लेंगे, उसके बाद अपना वीडियो कोई भी है, जितना भी आप बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट से अंदर होता है, तो अभी मैं आपको छोटा करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। तो दोस्तों ये देखिए मेरा बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद लेयर पे हमको क्लिक करना है, उसके बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों आपको कोई एक वीडियो ले लेना है जहाँ से आप रिकॉर्ड किए हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको एक वीडियो लेकर के दिखाता हूँ, तो भाई आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों ये देखिए जो है मेरा ये वाला वीडियो है, तो हम यहाँ से जो है थोड़ा कट कर देंगे। तो भाई आपको साइज में कर लेना है, जिस साइज में आप चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐसे कम बेसी कर लीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों कैसे आपको करना है, तो सबसे पहले इस पे आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा नीचे जाएंगे, उसके बाद देखिए मैजिक रिमूवल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों यही से जो है आपका पूरा वीडियो का बैकग्राउंड चला जाएगा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए जो है मेरा चालू हो गया रिमूविंग। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमारे वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव हुआ है। तो भाई आपको इसी तरह से करना है, ये देखिए जिस तरह से इसमें लाल कलर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप जो है वीडियो को अच्छी तरह से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अभी मैं आपको सेव करके भी दिखाऊंगा कैसे सेव किया जाता है, तो भाई आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों देखिए मेरा वीडियो का बैकग्राउंड पूरी तरह से रिमूव हो गया है। अभी हमको सेव करना है, तो कैसे सेव करेंगे, तो थोड़ा बहुत हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो भाई आपको ऐसे ही कर लेना है, तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आपको ऐसा वीडियो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको सेव कैसे करना है, तो ये देखिए यहाँ ऊपर वाले कोने पे आप जाएंगे, तीर का निशान दिखाई दे रहा है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे।
इस पे क्लिक करने के बाद उसमें देखिए यदि हम फुल एचडी में करना चाहते हैं 1080p पे तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगा। आप जिस भी क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं तो आप यहां से जो है 3GP 4GP SD HD FHD जितने MB में आप सेव करना चाहते हैं तो आप यहां से कम बेसी करके सेव कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं सेव करके, तो सेव एज वीडियो पे क्लिक करेंगे तो अभी सेव हो जाएगा। तो भाई ये देखिए मेरा जो है वीडियो पूरी तरह से सेव हो गया है। इसी तरह से जो दोस्तों आपको करना है बहुत ही सिंपल तरीका था, मैंने आपको बता दिया है वीडियो में, इतना ही। जय हिंद।